हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी सीयूटी माय डियर। स्वागत है सभी का इंडिया के सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़े प्लेटफॉर्म अन अकेडमी के सीयूटी चैनल पे एक और हिस्ट्री का सुपर इंटरेस्टिंग सेशन लेकर के मैं अजय थायल आपके सामने हाजिर हूं। और आज संडे है तो आज बहुत सारे क्वेश्चन आज की क्लास में होने वाले हैं प्रैक्टिस। सो वेलकम टू क्लास एवरीवन। और आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी, बहुत ज्यादा मजेदार रहेगी, क्योंकि आज की क्लास में होंगे काफी सारे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी टिपिकल जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आज की क्लास में यहाँ पे होंगे, जो आपकी मदद करेंगे सीयूटी एग्जाम को क्रैक करने में। सो अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और रेगुलर यहाँ पे क्लासें आपको मिलती रहेंगी। और अभी मेरे उन स्टूडेंटों से भी बातचीत चल रही है जिन स्टूडेंटों का एग्जाम हो रहा है, और वो कह रहे हैं कि सर कमाल पेपर हो रहा है, और हर एक पेपर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। किसी पेपर के अंदर मेडिवल ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी पेपर में यहाँ पे मॉडर्न के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई स्टूडेंट क्लेम कर रहे हैं कि सर क्रोनोलॉजिकल जो या क्रोनोलॉजी के ऊपर आधारित क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे सारी चीजें कवर करके जाइएगा, डिलीटेड चैप्टर्स भी उसके अंदर यहाँ पे आ रहे हैं। तो स्वागत है, करते हैं बिगिनिंग, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके एग्जाम यहाँ पे बाकी है, और हमें पूरी तरीके से उनकी तैयारी को कमाल यहाँ पे करवाना है। और कमाल तैयारी होगी जब हमारे ज्यादा ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन हम यहाँ पे तैयार करेंगे, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए होंगे। तो चलिए आइए मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं इस सेशन में। ये सेशन बहुत ही ज्यादा मजेदार रहेगा, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ये सेशन यहाँ पे रहेगा। सो इस सेशन को आप कवर करने वाले हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अजय थायल और मैं क्लास 11, क्लास 12 और सीयूटी कैटेगरी में आपको हिस्ट्री कवर करवाता हूँ। और मेरे साथ अगर रेगुलर तरीके से हिस्ट्री अगर आप कवर करना चाहते हैं तो फटाफट आइए और डाउनलोड करिए अनअकैडमी ऐप, जहां पे मेरी फ्री क्लासे भी और मेरी रेगुलर प्लस क्लासे भी आपको मिलती है। आज हम क्या करेंगे, आज की क्लास में जो टॉप एमसीक्यूज हैं, जो प्रैक्टिस पेपर हैं सीयूटी के, वो यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। यानी बहुत सारे मॉक क्वेश्चन आज की क्लास में होंगे कवर। बड़ा मजा इस सेशन में यहाँ पे आएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आज के क्लास में आपको कवर करने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगर आप अनअकैडमी का सीयूटी कैटेगरी के लिए अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसके भी कई बेनिफिट आपको मिलते हैं। तो चलिए आइए आपको बता दूं कि अनअकैडमी के क्या क्या बेनिफिट अनअकैडमी आपको देता है और क्या क्या फायदे आपको यहाँ पे मिलते हैं, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ाई करना, अनलिमिटेड वीडियो कोर्सेज कैसेस पाना, घर बैठे पढ़ना, रेगुलर डाउट क्लियर करना, पूरा सिलेबस कवर करना, बैच कोर्सेज पढ़ना, लाइव टेस्ट सीरीज देना, मेंटर्स यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट पाना, स्टडी मटेरियल, मेंटर्स का गाइडेंस, तो सब कुछ एक ही जगह। हाँ जी, सीयूटी के ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि मॉक जो रहा उसके अंदर हमने यही यहाँ पे देखा था, हमने यही यहाँ पे पाया था। उसके साथ साथ अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है, जिसमें आप कई बेनिफिटों को यहाँ पे पाएंगे। तो आइए लीजिए अनअकैडमी का सीयूटी के लिए सिर्फ प्लस सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के लिए यहाँ पे प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोनों अवेलेबल है। और ऐसे में देखिए क्या बेनिफिट आपको मिलते हैं, मैं आपको बता दूं कि अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिल लेते हैं तो आपको रेज ए हैंड फीचर भी यहाँ पे मिलता है, उसके साथ साथ डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी आपको यहाँ पे अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के साथ हर क्लास के बाद में यहाँ पे मिलती है। तो बिल्कुल बिल्कुल फायदे का है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन। और अभी तक भी अगर आप लास्ट टाइम पे अपनी तैयारी करना चाहते हैं, लास्ट मिनट पे सब कुछ कवर करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी का सीयूटी सब्सक्रिप्शन भी लीजिए। और अभी अगर आप 6th to 12th कोई भी सब्सक्रिप्शन या कोई भी कैटेगरी का अगर आप सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पे लेते हैं और अप्लाई करते हैं कोड दैट इज AJAYD10, ये है हमारा डिस्काउंट का कोड। कोई भी यहाँ पे मेरिडियन अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले और 20% डिस्काउंट, तो बिल्कुल भी देरी ना करें, बिल्कुल भी डिले ना करें, ले सब्सक्रिप्शन, करें शुरुआत, करें बिगिनिंग, कोड अप्लाई करके दैट इज AJAYD10, और मल्टीपल एजुकेटर्स के साथ अच्छी तैयारी अपनी यहाँ पे करें। अनअकैडमी के ऊपर पेमेंट के तरीके काफी ज्यादा हैं,
जिस तरीके से आप पे करना चाहें, EMI में पे करना चाहें, पार्ट्स में पे करना चाहें, सब कुछ अनअकैडमी आपको देता है। तो आइए लीजिए और करिए अनअकैडमी वर्ल्ड के अंदर अपनी शुरुआत। और आज बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे और बहुत ही मजा आज के सेशन में यहाँ पे आएगा। तो चलिए करते हैं बाय सेइंग लेट्स क्रैक इट विद एन अकेडमी। चलिए आइए, तो क्वेश्चन आ रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, बहुत ही बढ़िया। और लीजिए, ये आ गए हैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन। सो आ चुके हैं क्वेश्चन, बहुत ही बेटर क्वेश्चंस ये रहेंगे, तो चलिए लगाइएगा। यस, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। द हड़प्पन सिटीज प्लैंड हड़प्पन सिटीजन प्लैंड देयर सिटीज इन, क्या पैटर्न रहा? जल्दी लगाइए पहले क्वेश्चन का आंसर। पहला क्वेश्चन आ चुका है और लगाइएगा पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, यहां पे कैसे उन्होंने प्लान किया अपने शहरों को। सवाल बहुत अच्छे होंगे आज की क्लास में, मेरा वादा है आप सबसे। आज की क्लास में पंकज कुमार, दीपिका चौधरी, नक्षत्र मिश्रा, प्रियांशी, अभिषेक दुबे, एवरीवन इज मार्किंग, रानी झा, मैनी स्टूडेंट आर मार्किंग करेक्ट राइट आंसर माय डियर। एंड बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर है, दैट इज ए, बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर। चलिए द करेक्ट राइट आंसर हियर इज माय डियर दैट विल बी करेक्ट परफेक्ट राइट आंसर इज माय डियर ग्रिड पैटर्न। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रिड पैटर्न, अगला सवाल आ चुका है, दैट इज हड़प्पन सील वर मेड अप ऑफ, वर हड़प्पन सील वर वर मेड अप ऑफ माय डियर, हड़प्पाई सीले कैसे बनी हुई थी। हड़प्पन सील्स वर मेड अप ऑफ, जस्ट वेट, थोड़ा सा इश्यू यहां पे हो रहा है। हड़प्पन सील वर मेड अप ऑफ, यस करेक्ट राइट आंसर, यस अगेन ए विल बी करेक्ट राइट आंसर, टेराकोटा। हड़प्पन सील्स आर मेड अप ऑफ टेराकोटा माय डियर, करेक्ट राइट आंसर टेराकोटा। चलिए आइए आगे देखें, there are the two statement given below, one is association, another one is reason, read the statement and mark the correct option। चले देखें और mark करें। there are the two statement, the first is the city architects of Hadappan civilization has an extensive understanding of shape and angles, the street of Hadappan civilization divided the entire city into square and rectangle। third question ka answer jaldi lagaye,
मार्क करें थर्ड क्वेश्चन का आंसर जल्दी। यस मार्क करिएगा, एक बार ऑप्शन देखें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाएं यहां पर, एक बार ऑप्शन देखें और फिर लगाएं। अगर आप इसे करेक्ट लगा रहे हैं तो बताएं इसको कैसे। यस प्लीज देखें सभी लोग। सो माय डियर, पहला है द आर्किटेक्ट जो हड़प्पन सिटी के थे उन्हें काफी जानकारी शेप एंड एंगल्स की थी, बिल्कुल थी। द स्ट्रीट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन डिवाइडेड एंटायर सिटी, बिल्कुल स्क्वायर और रेक्टेंगल ब्लॉक में, तभी तो उन्हें जानकारी थी, तभी तो वो शहर यहाँ पे ग्रिड पैटर्न पे और स्क्वायर ब्लॉक या रेक्टेंगल ब्लॉक पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया करते थे। बोले तो सी, बोथ एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दिस वन इज परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर, दिस वन इज परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर, और इवन मेडिवल हिस्ट्री के भी क्वेश्चन यहां पे कवर होंगे। देखिए, देयर आर द टू स्टेटमेंट गिवन बिलो, एक बार फिर से स्टेटमेंट दी गई है, पढ़ें और फिर मार्क करें यहां पे। द पोजीशन ऑफ प्रीशियस ज्वेलरी सिंबलाइज वेल्थ पावर स्टेटस ऑफ ए पर्सन इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। पीपल फ्रॉम हड़प्पन सिविलाइजेशन वुड बाय ज्वेलरी बाय यूजिंग देयर सील टू इंप्रूव देयर सोशल स्टेटस। और इसको अच्छे समझें, जो आपने पढ़ा है क्या ऐसा है, क्या ऐसा हो। चलिए देखें और मार्क करें। एसोसिएशन रीजन के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, मैच द फॉलोइंग के भी आ रहे हैं। And the correct right answer is, wow, I can see Spur, Joshua, Priyanshi, many students marking the correct right answer. भैया ये ठीक है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा ज्वेलरी रखना उनकी वेल्थ पावर स्टेटस ऑफ ए पर्सन को डिफाइन करता था। पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वुड बाय ज्वेलरी बाय यूजिंग देयर सील, सील की मदद से यहाँ पे ज्वेलरी खरीदते ताकि सोशल स्टेटस इंप्रूव हो सके, ऐसा हमने नहीं पढ़ा। और अगर हमने ऐसा नहीं पढ़ा इसका मतलब ये हो गया रॉन्ग। सो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स माय डियर। चलिए आगे देखें, और सब कुछ आपको एक चीज और बता दूं, सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे मोस्टली किसके अंदर, बुक के अंदर, बुक के अलावा कुछ भी पेपर में नहीं मिलेगा। चलिए देखें, यस फिफ्थ देखें, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट रूल्स ऑफ डिप्लोमेसी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड अदर पॉलिटिकल टॉपिक्स ऑफ मौर्य पीरियड कैन बी फाउंड इन। भाई ज्यादातर जो हमें रूल्स ऑफ डिप्लोमेसी, प्रशासनिक सिस्टम, पॉलिटिक टॉपिक्स के सबके एविडेंसेज हमें किसमें मिल जाएंगे, यानी बेस्ट सोर्स क्या है। अगर आप मौर्य एम्पायर के बारे में जानना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे में उसके लिए बेस्ट सोर्स क्या है, चलिए बताएं। चलिए देखें, चले देख, एंड द परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर मैं देख पा रहा हूं सभी लोग लगा रहे हैं, दैट इज अर्थशास्त्र। सबसे बड़ा स्रोत जो हमें उस समय के बारे में जानकारी देता है, दैट इज अर्थशास्त्र माय डियर। इन महाजनपदा द राजा लिवाइड मेनी काइंड ऑफ टैक्सेस, द टैक्सेस लिवाइड वर यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। पर राजा टैक्स यहां पर लगाता था और उस टैक्स का उपयोग किस पर्पस के लिए यूज होता था, चलिए देख। टू कीप आर्मी, टू क्रिएट रोड नेटवर्क, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर,
जो राजा जो टैक्स लगाता था उसका किस पर्पस में यूज आता था? चलिए बताएं, लगाएं। बहुत सही सवाल है ये, थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़े हटके हैं। यस, प्लीज मार्क करें सभी लोग। देखिए, महाजनपदा के अंदर हमें काफी प्रकार के टैक्स राजा लगाते। टैक्सों का उपयोग यहाँ पे टू कीप आर्मी, टू क्रिएट और रोड नेटवर्क एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ऑल ऑफ दीज माय डियर। देखिए, हर एक पर्पस के लिए यहाँ पे यूज किया जाता, टैक्स यहाँ पे लगाया जाता, टैक्स यहाँ पे यूज किया जाता था। एंड मोस्ट प्रोबेबली देखिए, पर अगर आर्मी रख लिया तो लॉ एंड ऑर्डर तो वैसे मेंटेन हो गया, बस इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहता है इस सवाल में हमेशा। इट इज रिटन ओवर देयर, राजा यहां पे टैक्स लेता था और उस टैक्स को प्रोटेक्शन। द करेक्ट राइट आंसर हियर इज मोस्ट प्रोबेबली इसे मार्क करें, ऑल पी क्यू आर माय डियर। अगला देखिए, इन द एंशिएंट इंडिया मोस्ट जनपदा एंड महाजनपदा वर कंसंट्रेटेड इन विच रीजन ऑफ इंडिया? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, ऑल ऑफ दीज है ना, ऑल पी क्यू आर, सबके लिए यहां पे यूज किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखें, जो एंशियंट इंडिया है उसके अंदर ज्यादातर जो जनपद हैं वो कहां पे हमें मिले हैं, ज्यादातर जनपद के कहां एविडेंस मिले हैं बताएं। स्पर्श, प्रियांशी, नक्षत्र, सभी लोग लगा रहे हैं करेक्ट राइट आंसर। मैं देख पा रहा हूं यहां पे, द करेक्ट राइट आंसर हियर इज, करेक्ट परफेक्ट राइट आंसर इज द नॉर्दर्न प्लेन। मोस्टली ज्यादातर नॉर्थ इंडिया के अंदर ही थे, स्पेशली बिहार यूपी इस साइड ज्यादा यहां पे आपको देखने को मिलेंगे, नॉर्दर्न प्लेन। चलिए आगे देखिए, चलिए बताएं, ये क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन है, प्लीज इनको आप इनसे घबराइएगा मत। ये सीबीएसई प्रैक्टिस पेपर के क्वेश्चंस हैं और मैं इसीलिए आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि आपको एक लेवल पता चले कि लेवल बहुत हाई होता है और उसके साथ पेपर इतना आसान, इतना मतलब हाई नहीं होता है। प्रैक्टिस पेपर, मॉक टेस्ट थोड़े हाई होते हैं हमेशा। चलिए बताएं, नासिक प्रशस्ति में यहाँ पे किंग को डिफाइन किया गया है, द किंग हु इज इक्वलेंट इन स्ट्रेंथ माउंट हिमावत माय डियर, हु क्रश द प्राइड ऑफ क्षत्रिय, हु डिस्ट्रॉय द शाखास। भाई कौन है ये? एकदम क्लियरली आपको समझ आ जाएगा, एक वर्ड देखो और एक वर्ड पकड़ करके बस आगे बढ़ जाओ। हि डिस्ट्रॉय द शाखा, यवना, पल्लवास, हुज ओशन ड्रिंक वाटर ऑफ द थ्री ओशन, He restored the glory of his family. कौन है ये व्यक्ति? यानी कि वो जिसने क्षत्रिय की प्राइड को क्रश किया हो, ऐसा वर्ड हमें आ गया और ऐसा सिर्फ एक ही रूलर क्लेम करता था, दैट इज गौतमी पुत्र सतकर्णी। यानी कि भैया एक ही रूलर क्लेम करता था ऐसा,
और ऐसा कौन था? दैट इज गौतमी पुत्र सत्कर्णी. करेक्ट, परफेक्ट राइट आंसर है गौतमी पुत्र सत्कर्णी. यस माय डियर, गौतमी पुत्र सत्कर्णी. और मोस्टली इसी पार्ट इन नासिक या इधर अराउंड वो उन्होंने रूल भी किया है. चलिए आगे देखें. इन द लाइट ऑफ द राइज ऑफ रिलिक ऑफ वर्शिप व्हाई डिड सांची स्तूपा एक्वायर सिग्निफिकेंस. सांची स्तूपा इतना इंपॉर्टेंस क्यों मिला उसे? इट वॉज वेयर द रिलिक वर डिस्ट्रीब्यूटेड, इट वॉज वेयर बुद्धा रिलिक वर बरीड, it was where Buddha first ordered his remains to be distributed, it was where the stone panels show the place where other relics are buried. kya importance hai, upar pad lijiye passage mein kuch clue mil jayega. by the time stupa 3 at sanchi was constructed around 2nd century bc, relic worship had became very prevalent in buddhism and relic other than those of the buddha were also being worshipped, my dear. चलिए लगाएं. यस प्रियांशी, क्विकली मार्क करें सभी लोग. लगाइएगा जल्दी. देखो पहली चीज तो यहां पे तुम बोल रहे हो कि ये वो जगह है जहां पे बुद्ध फर्स्ट ऑर्डर, बुद्ध ऑर्डर ही नहीं दे सकते क्योंकि सेकंड सेंचुरी बीसी है और आपको पता होना चाहिए बुद्ध का साल कौन सा है. पहली चीज तो ये क्लियर करो. और ये रेलिक अशोक के समय बने हैं या ये स्तूपा अशोक के समय बना है, तो ये चीज तो ये तो रॉन्ग ही हो गया. तो ये इसमें परफेक्ट ये है, इट वॉज वेयर बुद्धा रेलिक वर बरिड. B will be perfect correct right answer. B is correct right answer here. B correct right answer होगा. It was where Buddha relic were buried. B is correct right answer. B perfect correct right answer. was where Buddha's relic were buried. चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं. The organization of teaching of Buddhism came to be known as the organization for teaching of Buddha came to be known as the organization of teaching, नहीं organization of teachers, my dear. The organization for teacher of Buddhism, teaching वैसे चल जाएगा, organization for teachings of Buddhism came to be known as, my dear, that is Sangha. यानी उसे बोला गया क्या? बुद्धिस्ट संघ. क्या कहा गया? बोला गया बुद्धिस्ट संघ. Correct right answer here is बुद्धिस्ट संघ, माय संघा इज करेक्ट राइट आंसर. ये संघ इज करेक्ट परफेक्ट राइट आंसर. ये चलिए आइए आगे देखें. अगला सवाल आ गया. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर राइज ऑफ जैनिज्म बुद्धिज्म इन इंडिया. देखिए क्या कारण रहा, क्या वजह रहा जिस वजह से बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है वो राइज अप किया है इंडिया में. पहला है religious mantra and discourse in Jainism Buddhism were given in Sanskrit. Jainism Buddhism promoted caste system that allowed social mobility. Farmer wanted a religion that believed in sacrificing animal. Jainism Buddhism had simple inexpensive rituals. बहुत ही आसान है इसको आंसर करना, बहुत ही आसान है इसको मार्क करना. चलिए बताएं. मां करते जाएं.
Jainism and Buddhism had simple and inexpensive rituals. ये परफेक्ट है क्योंकि ये सारे गलत हैं, ये सारे रॉन्ग हैं. प्रमोटेड कास्ट सिस्टम नो, सेक्रीफाइसिंग एनिमल नो, मंत्रास एंड डिस्कोर्स माय डियर नो, संस्कृत रॉन्ग. बिकॉज जैनिज्म बुद्धिज्म सिंपल और इनएक्सपेंसिव रिचुअल्स थे, इसीलिए लोगों ने स्वीकार किया. चलिए, फ्रॉम 5000 BC टू 5000 AD प्राकृत वॉज लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल. हाउ डिड इट हेल्प इन स्प्रेड ऑफ न्यू रिलीजन सच एज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, इसने कैसे मदद की. चलिए देखते हैं. पहला है, ओनली प्राकृत है रिटन स्क्रिप्ट लाइक संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज. पीपल अंडरस्टूड द सर्मन एज दे वर गिवन इन प्राकृत. पीपल फोर्स्ड द संत एंड मॉन्क टू स्पीक इन प्राकृत. संस्कृत सर्मन वर टू लेंथी अनलाइक प्राकृत. माय डियर, बताएं इसका क्या रीजन. ट्वेल्थ का क्या आंसर है, मार्क करें क्विकली क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत सारे हैं अपने पास, जल्दी मार्क करें. प्राकृत ने कैसे मदद करी. द करेक्ट परफेक्ट राइट आंसर हियर इज पीपल अंडरस्टूड द सर्मन एज देवर गिवन इन. इसीलिए भाई बुद्धिज्म और जैनिज्म में जन साधारण भाषा में उपदेश दिए गए और लोगों को समझ आए, और समझ आए तो ऐसे मान लीजिए उन्हें समझ पाए लोग, और इसीलिए बुद्धिज्म और जैनिज्म स्प्रेड हो पाए. इसीलिए बुद्धिज्म और जैनिज्म स्प्रेड हो पाया, ये इसके पीछे का रीजन है, ये इसके पीछे कारण है. चलिए देखिए आगे, देखिए. During ancient India, people were divided into four groups called Varna. Under each system, Varna had different set of function. Identify the Varna that has been matched correctly with its function. किस वर्ण का यहाँ पे काम perfect है. Kshatriya showed the other three groups. Shudra study teach scriptures. Vaishya farmer herders. Brahman protect people. कौन सा करेक्टली मैच्ड है यहाँ पे. वाओ परफेक्ट, यस नक्षत्र, बहुत ही बढ़िया, बहुत सही नक्षत्र. एंड करेक्ट राइट आंसर मार्क करें क्विकली. प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है. The correct perfect right answer here is only C. क्षत्रिय का भी wrong है, शूद्र भी wrong है, ब्राह्मण भी wrong है, वैश्य जो है farmer और herder होंगे, बिल्कुल correctly matched. उनका function ये है, उनका function ये है, इनका function correctly matched है. चलिए देखें. It is said that many of inherent philosophy of Buddha and Mahavira were more or less similar. A lot of Pali term are common to Buddhism and Jainism. What is the main reason of similarity? भाई क्या कारण है जिस वजह से Buddhism और Jainism के अंदर जो Pali terms हो काफी common है, क्या reason है, क्या वजह है. चलिए क्या रीजन है, क्या कारण है, चलिए देख. पहला है बुद्ध एंड महावीरा बोथ प्रिंसेस बाय बर्थ. बुद्धिज्म वॉज फाउंडेड. चलिए देख.
Buddhism was founded before Jainism and Mahavira was deeply influenced by Buddha. Buddhism and Jainism have same religious texts, festival and places of pilgrimage, my dear. Buddha and Mahavira were contemporary and their teaching had root from the same tradition. Bahut hi badhiya. Yes, my dear Hemant. नक्षत्र हेमंत भारती सभी लोग लगा रहे हैं क्योंकि बुद्ध और महावीर एक समय कालीन थे, एक समय के थे और ऐसे में जो उनकी टीचिंग थी मेरे डियर वो एक ट्रेडिशन से ही यहाँ पे जुड़ी हुई थी और इसी कारण की वजह से हमने देखा कि दोनों में काफ़ी सिमिलरिटीज हैं, दोनों में काफ़ी समानताएं यहाँ पे देखने को मिली। चलिए आइए अगला सवाल आ गया। अगला है स्टेटमेंट दी गई है और उसके अकॉर्डिंग बताना आपको। पहले लिंगायत चैलेंज द पैट्रियार्कल नॉर्म एंड अनेबल वुमेन टू हैव कंट्रोल ओवर देयर बॉडी एंड चॉइसेस। लिंगायत चैलेंज पैट्रियार्कल नॉर्म एंड अनेबल वुमेन टू हैव कंट्रोल ओवर देयर बॉडी एंड चॉइसेस। लिंगायत एनक्रेज सच प्रैक्टिसेस such as post puberty marriage and widow remarriages, my dear. For 15th में आंसर मार्क करें जल्दी, 15th का आंसर मार्क करें जल्दी जल्दी मार्क करें 15th का आंसर क्या हो। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स माई डियर। थोड़ा पेपर थोड़ा टफ है आज, प्रैक्टिस पेपर थोड़ा टफ है ये मैं मानता हूं। 15th में यस स्वीटली बहुत बढ़िया। देखिए लिंगायत ने पैट्रियार्कल नॉर्म सोसाइटी को चैलेंज किया, बाकी वहां वैसा नहीं लिखा हुआ है, और महिलाओं को अपनी बॉडी अपनी चॉइसेस पे कंट्रोल करने का हक दिया ये भी नहीं लिखा हुआ। ये जरूर है कि उन्होंने काफी सारी प्रैक्टिसेस पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज विडो री मैरिज उन्हें प्रमोट किया। इट मींस ए इज फॉल्स, ए रॉन्ग है, आर ट्रू है। ठीक है, ए रॉन्ग है, आर ट्रू है, यानी इज फॉल्स आर इज ट्रू माइंड। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मुस्लिम रूलर फ्रॉम 13th-16th century इन इंडिया। कंसीडर करें और देखें और लगाएं। Consider the following statement regarding Muslim ruler from 13th to 16th century in India. देखें बताएं इसका करेक्ट राइट आंसर। दे एक्सप्रेस रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर ऑल रीजन दैट एग्जिस्टेड अंडर देयर रूल। दे गिव लैंड एंडाउमेंट एंड ग्रांटेड टैक्स एक्सेम्पशन टू नॉन मुस्लिम रिलीजन इंस्टीट्यूशन। दे गिव ब्राह्मण हाई पोस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन सो नॉन मुस्लिम हैव पावरफुल पोजिशन। They started to adopt principle given in Vedas to gain popularity among the non-Muslim population. So incorrect कौन सा है? Incorrect आपको बताना है। देखिए incorrect आपसे पूछा, not correct my dear, incorrect पूछा है। Please देखिए। देखिए पहला तो है कि Muslim हर एक respect, Muslim express respect and regard for all religion, ये correct है। और उन्हें चैरिटीज भी दी, लैंड ग्रांट टैक्स भी दिया जो नॉन मुस्लिम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन थे उन्हें, बिल्कुल ऐसा भी उन्होंने यहाँ पे किया।
लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों को हाई एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट दी हो ताकि नॉन मुस्लिम जो है उन्हें पावर पोजिशन मिले, नहीं। दे स्टार्टेड अडॉप्टेड प्रिंसिपल गिवन इन वेदा, नहीं, वेदों के अंदर जो प्रिंसिपल थे उन्हें नहीं अडॉप्ट किया, यानी इनकरेक्ट है। थर्ड एंड फोर्थ, यस इनकरेक्ट है, थर्ड एंड फोर्थ माय डियर इनकरेक्ट है, थर्ड एंड फोर्थ। इनकरेक्ट इज थर्ड एंड फोर्थ। चलिए देखिए, चलिए बताइएगा, परमात्मा गॉड रिमेन द सेम एंड द लाइन आर गिवन फ्रॉम कथा उपनिषद। परमात्मा गॉड रिमेन द सेम इन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इट इज द सेम ऑन द हार्ट ऑफ द एंट माय डियर एलिफेंट एंड इन एवरी लिविंग, इट इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग। द लाइन रिटन अबव आर बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ, मतलब परमात्मा सदैव रहते हैं, चाहे आज हो चाहे फ्यूचर हो, और वो हर एक चीज के अंदर बराबर है, चाहे एक अंट हो, एलिफेंट हो, एवरीथिंग हो, कोई भी चीज हो। बताइएगा, ये किसके आइडियाज हैं? 17th में मैं देख पा रहा हूं नक्षत्र ने बहुत अच्छा आंसर लगाया। यस, और देखिए ये क्या है, ये है निर्गुण भक्ति का, जिसमें फॉर्मलेस डाइटी की, भगवान हर जगह है, भगवान जो है वो सर्वव्यापी, और ऐसे में मेरे डियर हर में बराबर बराबर हैं, यानी निर्गुण माय डियर, ये फॉर्मलेस डाइटी की पूजा करते हैं, इसमें एक फॉर्मलेस डाइटी का पूजा किया जाता है, इसमें परमात्मा रिमेन्स द सेम माय डियर, बोला सब में बराबर है, और ये निर्गुण भक्ति का ट्रेडिशन है मेरे लिए। ये किसका है? निर्गुण भक्ति का। चलिए आइए आगे देखिए, देखिए देखिए इसका कोई आंसर यहाँ पे, कोई भी ओपिनियन, कोई भी आंसर दिया जा सकता है, और इसके ऊपर तो एक कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो सकता है अगर ऐसे आंसर्स को आंसर किया जाए तो। मेरे डियर देखो, पहली चीज तो ये गलत हुआ जो भी हुआ, और उसके बाद में ये कोई नहीं है कि उनको मार सकते थे, उनका बेटर ऑप्शन ये होता भाई, ये सबसे बढ़िया होता कि सेव रख रहा, मतलब कि रखा जाता, और कैसे महात्मा गांधी ने किस तरीके का योगदान दिया, वो यहाँ पे आगे भी अपना योगदान दे पाते। चलिए आइए आगे देखें, अगला सवाल आ गया है, द हार्टलैंड ऑफ द एम्पायर वॉज फर्टाइल वैली ऑफ कावेरी बट दे रूल्ड सिग्निफिकेंटली लार्ज एरिया एट द हाइट ऑफ द पावर एट द लेटर हाफ ऑफ द 9th सेंचुरी टिल द 13th सेंचुरी माय डियर। ये कौन से रूलर थे जो यहां पे राज कर रहे थे, और उसके बाद में इन्हीं के रीजन को ऑक्युपाई किया था विजयनगर रूलर ने, ये किसकी बात हो रही है? ये किसकी बात हो रही है यहां? ये कौन सा एम्पायर है? द हार्टलैंड ऑफ द एम्पायर वॉज फर्टाइल वैली ऑफ कावेरी। यस विपुल, बहुत ही बढ़िया माय डियर, दैट्स परफेक्ट। 18 पे प्रियांशी, गुदान, हेमंत, चोला रूलर, यस, उसके बाद में इनके एम्पायर को कंट्रोल कर लिया था विजयनगर रूलर ने, और इन्होंने ही उस समय मंदिरों का निर्माण करवाया था, काफी सारे ट्रेडिशन को कंटिन्यू किया था। चलिए आगे देखिए, इमेजिन यू आर एन आर्कियोलॉजिस्ट डिगिंग प्रेजेंट डे हड़प्पन एम्पायर, यू कम अक्रॉस द रिमेन ऑफ चर्ड सीड, आपके सामने चर्ड सीड आया, तो आप किससे बुलाओगे, भैया हमें एक चर्ड, भुना हुआ बीज मिला है,
आप आओ और आप देखो, किससे बुलाओगे आप? चलिए बताइए, चलिए लगाएं। जल्दी लगाएं। द परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर इज आर्कियो बोटनिस्ट माय डियर। वनस्पति को आप बुलाएंगे, आर्कियो वनस्पति को यहां पे बुलाया जाएगा, क्योंकि वो पेड़ पौधों का वो जानकार होगा, एक्सपर्ट वो होगा जिसे बुलाया जाएगा, और वो ही है वो जिसने हमें हड़प्पाई सभ्यता में कैसे पेड़ पौधे थे, कैसी फसलें लगा करती थी, आर्कियो बोटनिस्ट ने हमें जानकारी दी। विच ऑफ दीज पीसेस ऑफ एविडेंस इंडिकेट द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। भाई इनमें से कौन सी जो पीसेज हैं वो हमें हड़प्पाई सभ्यता के अंत को इंडिकेट करते थे, दर्शाते थे किस महान सभ्यता का अंत हो गया है? चलिए बताएं। बताइएगा। इस महान सभ्यता का अंत दिखाता है अबंडेंस ऑफ फोर्ड, प्रेजेंस ऑफ सिंगल रूलर फॉर हड़प्पन सिविलाइजेशन, डिसअपीयरेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, शिफ्ट फ्रॉम लोकल सिस्टम वे टू स्टैंडर्डाइज सिस्टम। एंड 20 का करेक्ट परफेक्ट राइट आंसर, 20th का करेक्ट परफेक्ट राइट आंसर है वो है डिसअपीयरेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द रीजन। जो डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट थे रीजन में वो डिसअपीयर करने लगे, और गायब होने का मतलब इस सभ्यता का अंत होने लगा, इस सभ्यता का अंत होने लगा। चलिए आगे देखें। देर आर द टू स्टेटमेंट गिवन बिलो, ए इज एसोसिएशन, आर इज रीजन। रीड द स्टेटमेंट अमंग द करेक्ट ऑप्शन। Writing and literacy was widespread in Harappan civilization. Writing has been found in many everyday objects such as seal, copper, tools, jewelry, terracotta, tablets in Harappan civilization. चलिए मार्क करें। चलिए लगाइए। चले मार्क करें। यस, देखो अगर इसको मानो कि लिटरेसी काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड था, देखो वैसे तो इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हमें काफी बड़े पैमाने पे ये सब चीजें मिली हैं, जिसका मतलब एवरीडे जो चीजें उनके ऊपर भी हमें काफी सारी चीजें मिली, तो इसका मतलब लिटरेसी यहां पे था। ठीक है, इसका मतलब अगर ये ऑप्शन है और उसके अकॉर्डिंगली मार्क कर रहे हैं तो तब तो है, ठीक है तब तो ये है, अदरवाइज यहाँ पे ये कहीं पे भी आपकी बुक में नहीं, अगर देखना चाहें तो। बाकी ये तो है, पर अगर ये है तो इसका मतलब ये भी एक एवरीडे ऑब्जेक्ट के ऊपर मिलने का मतलब ये है कि लिटरेसी काफी अच्छा था। सो ये विल बी करेक्ट राइट आंसर। आगे देखें,
माय डियर, व्हाई डिड सूफी प्रोटेस्ट अगेंस्ट अर्ली खलीफेट? सूफीज ने जो अर्ली खलीफेट आया उसका विरोध क्यों करने लगे, उसके प्रोटेस्ट क्यों करने लगे, क्या वजह था? चलिए बताएं। चलिए बताइएगा। 12th की क्लास ऑलरेडी स्टार्टेड है, प्लस क्लासेस अनअकैडमी ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया आपने तो डाउनलोड करो, वहां पे क्लासेस हो रही है मेरे लिए। सूफीज प्रोटेस्ट करने लगे खलीफेट के खिलाफ क्योंकि खलीफेट मेटेरियलिस्टिक और डॉगमेटिक होने होता जा रहा था, डॉगमेटिक डेफिनेशंस प्रोवाइड कर रहा था, मेटेरियलिस्टिक लाइफ की ओर ज्यादा अट्रैक्ट यहाँ पे हो रहा था, तो इसीलिए उन्होंने उनकी आलोचना करी और उन्होंने सिंपल जो जीवन है उसे यहाँ पे प्रमोट किया। चलिए आए, विच आर द फॉलोइंग एज अ लीस्ट पावरफुल ड्यूरिंग विजयनगर अंपायर? विजयनगर अंपायर में सबसे कम पावरफुल कौन था? सबसे कम शक्तिशाली? देखिए विपुल, इसका आंसर आपको मिल नहीं पाएगा मेरे लिए, ये देखिए बेटर ऑप्शन नहीं है। वॉयलेंस तो वैसे ही नहीं होना चाहिए, वॉयलेंस तो वैसे ही महात्मा गांधी के सिद्धांतों में से एक था और ये चीजें बिल्कुल भी बेटर नहीं होंगी कि हम इसके ऊपर डिस्कस करें, चर्चा करें कि किसको बेटर ऑप्शन रहता, किसको ऐसा यहाँ पे ऑप्शन रहता, तो ये चीज तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। चलिए देख, एंड सबसे कम पावरफुल पीजेंट था क्योंकि ट्रेडर व्यापारी नायका यानी मिलिट्री कमांडर ब्राह्मण भी यहां पे थे लेकिन सबसे कम पीजेंट यहां पे। चले आए देख अगला सवाल, अच्छा क्वेश्चन। द विजयनगर रूलर टुक द टाइटल ऑफ हिंदू सूरत राणा विच वॉज ए संस्कृताइजेशन ऑफ अरेबिक टर्म सुल्तान मीनिंग किंग, सो इट इज लिटरली मीन हिंदू सुल्तान। वट डज द इंफॉर्मेशन प्रूव आउट लैंग्वेज स्पोकन इन विजयनगर? क्या हमें बताता है? इट्स रूट लैंग्वेज वॉज अरेबिक, इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रेवलिंग मर्चेंट, इट वॉज स्पोकन अक्रॉस साउदर्न पेनिनसुला, इट वॉज यूज एक्सक्लूसिव टू एक्साल द स्टेटस ऑफ द किंग। क्या ऑप्शन है इसमें करेक्ट? देखिए उसका पेपर नहीं आ पा रहा, उसका पेपर नहीं पहुंच पा रहा, वैसे हमने एक सेशन कल रखा हुआ है उसके अंदर हम आपको डिस्कशन करेंगे, बताएंगे कि क्या क्या चीजें हैं। पेपर्स नहीं आ रहे उसके, चले देख। इसका करेक्ट राइट आंसर है दैट विल बी डी। भाई ये हमें बताता है उन लैंग्वेज के बारे में नहीं, ये हमें बताता है कि ये जो है मेरे डियर ऐसा यूज राजा अपनी स्टेटस को बढ़ाने के लिए करते थे, टू एक्साल्ट एक्सक्लूसिव टू एक्साल्ट द स्टेटस ऑफ द किंग। भाई उन्होंने ऐसा टाइटल इसीलिए लिया ताकि अपने स्टेटस को सर्वोच्च दिखाया जा सके या अपने स्टेटस को ऊंचा दिखाया जा सके, इसके लिए उन्होंने ऐसा यहां पे। डी विल बी परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखें, अगला सवाल है। वेलकम टू क्लास शिवानी।
चलिए आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर वॉज पार्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, इनमें से कौन सा फीचर जो है वो पार्ट है हड़प्पा सभ्यता का? Which of the following is feature which of the following was feature was a part of Harappan civilization? करेक्ट राइट आंसर होगा वेल प्लैंड सेटलमेंट इन डेफिनेट टेरिटरीज माय डियर। करेक्ट राइट आंसर है सी, बहुत ही बढ़िया। फ्लरिशिंग ब्रीड हॉर्स ब्रीडिंग इंडस्ट्री नो, वेल ऑर्गेनाइज्ड लार्ज लाइब्रेरी नहीं, वेल प्लैंड डेफिनेट सेटलमेंट इन डेफिनेट टेरिटरी माय डियर करेक्ट राइट आंसर। सोफिस्टिकेटेड डिफेंस सिस्टम ये भी वैसे था पर इतने इसके ज्यादा इसको नहीं लिख सकते। चलिए आगे देखें, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाइंड टॉय प्लो ड्यूरिंग डिग्स एट हड़प्पन साइट, फाइंड आउट व्हाट दिस प्रूव्स माय डियर। चलिए देखें, आर्कियोलॉजिस्ट को टॉय प्लो मिले हैं हड़प्पन साइट पे, और इससे क्या पता चलता है? एंड इससे ये पता चलता है, यस माय डियर, कि लोग अपनी फार्मिंग को आसान बनाने का प्रयास करते थे, इसीलिए प्लो यूज करते थे। और टॉय प्लो का मतलब कि वहां पे कोई बड़ा या रियल प्लो भी यूज होता होगा, वहां पे रियल हल भी यूज होता होगा, ये भी हमें पता चला। ये होगा इसका करेक्ट, ये होगा इसका परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर। चलिए आए, Which of the following statement true about trading during the Harappan civilization true? Silk was the main item of export. Gold, beads were imported from South India. Trade was carried out only through land route. Money was used as a medium of exchange. Which one is true about trading in Harappan civilization? देखिए, मनी नहीं यूज होता था, मनी यहां पे नहीं था, बार्टर सिस्टम एक्सचेंज या एक्सचेंज यहां पे था। ट्रेड वॉज कैरिड ओनली थ्रू नो, सी रूट भी होता था। सिल्क वॉज मेन आइटम ऑफ एक्सपोर्ट, कॉटन हो सकता है। गोल्ड बीड वर इंपोर्टेड फ्रॉम साउथ इंडिया, क्योंकि गोल्ड यहां पे साउथ इंडिया से लेते थे, तो गोल्ड बीड जो है वो इंपोर्ट किया करते थे साउथ इंडिया से। Gold bead were imported from South India. Gold beads were imported from South India. ये B इसमें perfect correct right answer. Gold was imported or gold were imported, my dear. चलिए आइए आगे देखें. Why did the विजयनगर रूलर एस्टेब्लिश एन एसोसिएशन विद द डाइटीज? भाई विजयनगर के रूलर, हाँ बिल्कुल, इतना टफ नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट ने बोला, स्टूडेंट का डिमांड था कि सब टफ कुछ लेकर के आओ,
क्योंकि बोला इतना इजी भी नहीं पूछा जा रहा है, तो कुछ अलग आज हम लेकर के आए। Why did Vijayanagar rule establish an association with the deities? To evidence their pious upbringing, to gain support of the Brahmana priest, to strengthen their authority over the citizenry, to seek the blessing and bounties from the God. Yes, my dear. D is correct right answer. हाँ, इतना अंडर में नहीं पूछे। यस, क्योंकि वो राजा जो थे वो भगवान के बिहाफ पे रूल करते थे और वो ब्लेसिंग चाहते थे, इसीलिए ऐसा अपने आप को जोड़ते थे, और वो बाउंटीज या गिफ्ट्स गॉड से चाहते थे, या गॉड से ब्लेसिंग चाहते थे, इसीलिए ये अपने आप को कनेक्ट करना चाहते थे। ठीक है, अपने आप को कनेक्ट करना चाहते थे। ईयर के रिलेटेड भी लेके आएंगे। अगला सवाल अच्छा सवाल है, आसान है, चलिए लगाएं। मां करें लगाएं। मां करें क्विकली लगाएं। सिक्स सेंचुरी बीसी देर वर कंसिस्टेंट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इवन इन द एरिया ऑफ रेगुलर प्रिसिपिटेशन माय डियर। ये सही है, और उसका रीजन है सी होगा इसमें, क्योंकि भैया देखिए सिक्स सेंचुरी बीसी में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा था चाहे बारिश ना हुआ, क्योंकि उस समय उसका रीजन ही है, कुएं टैंक कनाल यहाँ पे राजा बना रहे थे, पावरफुल लोग बना रहे थे, ये इसका रीजन है, ये इसका कारण है, इस वजह से ऐसा यहां पे स्प्रेड हो रहा था एग्रीकल्चर। चलिए अगला सवाल आ गया, क्वेश्चन नंबर 30। जस्ट लाइक प्रेजेंट इंडिया, मौर्य एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू पॉलिटिकल यूनिट्स, सेंट्रल प्रोविंशियल डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज माय डियर। चलिए बताएं, जस्ट लाइक प्रेजेंट इंडिया, मौर्यन एम्पायर वॉज डिवाइडेड इन टू पोलिटिकल यूनिट, सेंट्रल प्रोविंशियल डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज। वट इज द पर्पज ऑफ डिवाइडिंग द टेरेटरी, क्या कारण था, क्या वजह था टेरेटरी को बांटने का। स्मॉलर यूनिट हेल्प इन बूस्टिंग ट्रेड रिलेशन विद अदर एम्पायर, स्मॉलर यूनिट वॉर इजियर टू मैनेज देन अनडिवाइडेड टेरेटरी, स्मॉलर यूनिट रिक्वायर लेस स्पेंडिंग ऑन इरीगेशन एक्सपेंडिचर, smaller unit increase the amount of the land revenue collected, my dear. 30th का आंसर करें, मार्क करें। अरे ये देखे ना, smaller units are easier to manage. smaller unit इसलिए बांटे जाते हैं ताकि जो undivided territory होता है वो इतना control में नहीं हो पाता, smaller unit आराम से control हो जाते हैं, इसलिए यहां पे बांटा गया। ठीक है, उसके पीछे उन्हें एम्पायर कंट्रोल करना था, ना कि टैक्स। यहां पे टैक्स तो वैसे भी एरिया तो उतना ही रहा जितना टैक्स लेना है। सो करेक्ट राइट आंसर हियर इज स्मॉलर यूनिट आर इजियर। देखिए मोस्ट प्रोबेबली तो यही रहेगा, बाकी ये भी हो सकता है वैसे, क्योंकि लैंड रिवेन्यू भी कलेक्ट किया जा सकता है वैसे, बाकी परफेक्ट यही होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ब्राह्मी एंड क्रोस्टी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी क्रोस्टी स्क्रिप्ट के रिगार्डिंग ट्रू क्या है। बहुत आर स्क्रिप्ट यूज इन सोकन इंस्क्रिप्शन, बहुत स्क्रिप्ट डेसिपर्ड बाय जेम प्रिंसेप, बहुत स्क्रिप्ट यूज इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, बहुत स्क्रिप्ट यूज इन
द करेक्ट परफेक्ट राइट आंसर इज बी. यस करेक्ट परफेक्ट राइट आंसर होगा बी. बी विल बी करेक्ट राइट आंसर. चलिए ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड ऑफ कॉमन एरा व्हाई डिड किंग्स ट्राई टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ ऑल पावरफुल. भाई जो शुरुआती पीरियड रहे कॉमन एरा के उसमें रूलर राजा अपने आप को ऑल पावरफुल क्यों दिखाने का प्रयास करते, क्या कारण था? टू इंटीमीडिएट द एनिमीज, टू अडहेर द नॉर्म्स ऑफ द किंगशिप, टू मेंटेन कंट्रोल ओवर द पीपल माय डियर, टू इंस्टॉल फियर इन पावरफुल ब्राह्मिक प्रीस्ट माय डियर. बताएं आप. क्विकली मार्क. ये वो अपने आपको पावरफुल क्यों दिखाते थे? टू अडहेर टू द नॉर्म्स ऑफ द किंगशिप. नहीं नहीं भी नहीं होगा. अधेर का मतलब होता है फॉलो करना, टू फॉलो द नॉर्म्स रूल्स ऑफ किंगशिप. भाई रूल थोड़ी है ये कि जिसमें अपने आप को राजा है यहां पे. हाँ बाकी ये भी है वैसे तो. हाँ सही है सही है सही है. सॉरी फॉर दैट. बी इज परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर. टू अडहेर टू द नॉर्म्स ऑफ किनशिप माई डियर. किनशिप में अपने आप को पावरफुल शक्तिशाली दिखाता था. यस बी इज परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर. बी परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर. चले आए आगे देखें. ये तो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़े ज्यादा ही टफ हो जाएंगे, एक बार इसको बढ़ाते हैं. चलिए द जतक टेल्स आर नेटिव टू इंडिया कंसर्न द प्रीवियस बर्थ ऑफ सर्टेन रिलीजियस फिगर. पेंटिंग ऑफ देम आर फाउंड इन अजंता केव. द जतक टेल्स आर कनेक्टेड विद द रिलीजन फिगर. जो जतक जो टेल्स हैं वो किस रिलीजियस फिगर से जुड़ी हुई, किससे एसोसिएटेड है? चलिए देख. उमेश जतक की कथाएं किस राजा से जुड़ी, किससे जुड़ी हुई हैं, किस धार्मिक फिगर से जुड़ी हुई? माय डियर पहला है महावीर, दूसरा है कृष्णा, तीसरा है बुद्धा, चौथा है शिवा. चलिए लगा. द करेक्ट परफेक्ट राइट आंसर हियर इज बुद्ध. बुद्ध इज परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर. ये बुद्ध करेक्ट राइट आंसर. ए ग्रुप ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क वांट टू विजिट वेयर लॉर्ड बुद्धा रिसीव्ड एनलाइटमेंट. विच ऑफ दीज लोकेशन डिड दे ट्रेवल टू. भाई जो लॉर्ड बुद्ध की जगह एनलाइटमेंट ज्ञान प्राप्ति की जगह एक ग्रुप जाना चाहता है तो कौन सी जगह उसे जाना चाहिए? चलिए बताएं.
यस माय डियर, बिल्कुल दें। एंड द करेक्ट राइट आंसर इज बिहार इंडिया, बिहार इंडिया, क्योंकि बोध गया बिहार में ही है, बोध गया जो है वो बिहार में ही। चलिए आए, विच आर द फॉलोइंग मीनिंग, विच आर द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ क्वाल माय डियर। Which are the following चलिए बताएं, एंड क्वाल मीन्स सेइंग्स। वाओ, क्वाल मीन्स सेइंग्स माय डियर, जो क्वाली से पहले बोली जाती है, क्वाल मीन्स सेइंग। यस, ये आपके भक्ति सूफी ट्रेडिशन चैप्टर मिलेगा। कवाल जो है वो सेइंग्स हैं, अरेबिक मीनिंग इसका सेइंग ही होता है, सेइंग का। चलिए आइए आगे देखिए, आइडेंटिफाई द सिख गुरु हु फर्स्ट कंपाइल्ड आदि ग्रंथ विच लेटर एक्सपेंडेड इनटू गुरु ग्रंथ साहिब। एक सिख गुरु आपको बता रहे हैं जिन्होंने पहले आदि ग्रंथ यहां पर बनाया, बाद में उसी को ही एक्सपेंड किया गया गुरु ग्रंथ साहिब में। चलिए देख, प्लीज मार्क करें, चलिए मार्क करें। यस, परफेक्ट, करेक्ट, राइट आंसर एवरीवन, दैट इज ए गुरु अर्जुन देव, दैट इज ए गुरु अर्जुन देव माय डियर। गुरु अर्जुन देव इज करेक्ट राइट आंसर हियर, गुरु अर्जुन देव। चलिए आगे देख, हाँ बहुत बढ़िया उमेश, बहुत ही बढ़िया। Why is संत कबीर considered as an important figure of भक्ति movement? संत कबीर को भक्ति आंदोलन का important figure क्यों माना जाता है? चलिए बताइए। He spreaded the idea that God has no gender, no form. He started langar, run futu for people of all walk of the people. He was the first to question the division of the society on the basis of caste. He considered all religions are merely different means to reach the same God. और कबीर काफी prominent है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बोला कि भगवान के नाम अनेक हैं, लेकिन भगवान एक ही है, यानी डी उसको डिस्क्राइब कर रहा है, डी उसको डिस्क्राइब कर रहा है माय डियर, डी इज करेक्ट राइट आंसर, डी करेक्ट परफेक्ट राइट आंसर। सी तो माय डियर ये नहीं है, सी तो इनके लिए नहीं है, पहला गुरु नानक जी के लिए, यानी कि द गॉड हैज नो जेंडर ऑफ फॉर्म माय डियर, गुरु नानक जी, लंगर और फुतु, चैरिटी, मतलब यहां पे बोला गया है लंगर
सूफिज्म और फुतू पे इस्लामिक जो खानकाज चलते थे उनके ऊपर चैरिटी में चला। चलिए फुतुई जनास चैरिटी माई डियर, विच आर द फॉलोइंग इज रीजन वाई पीपल एम्बेरस बुद्धि भक्ति मूवमेंट, क्या कारण रहा जिस वजह से लोगों ने भक्ति आंदोलन को स्वीकार किया अपनाया, मेड इट कंपल्सरी फॉर पीपल टू सिंग डांस एज ए वे ऑफ वर्शिप, अलाउड पीपल डिफरेंट कास्ट टू वर्शिप द सेम डाइटी, आस्क पीपल टू असेंबल अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक स्टेटस, एनकरेज पीपल टू वर्शिप ओनली इन टेम्पल। चले लगाइए, बिकॉज इट अलाउड, क्योंकि इसमें अलाउ किया गया। ओके उमेश, अलाउ किया लोगों को जो अलग अलग वर्ग के थे एक देवता को, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। पहले जो लोअर कास्ट थे शूद्र थे उन्हें ऐसे अलाउ नहीं किया जाता, लेकिन इसने अलाउ किया। एंड द करेक्ट राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है, थोड़े आज थोड़े टफ क्वेश्चन हुए, थोड़ा डिमोरलाइज मत होइएगा, आसान क्वेश्चन आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कंसिडर्ड ट्रू अबाउट संत मीराबाई, मीराबाई के रिगार्डिंग करेक्ट क्या है? ही डिवोटेड हर लाइफ फॉर वर्शिपिंग ऑफ शिवा, शी स्टूड फॉर हर बिलीव्स दैट चैलेंज द पैट्रियार्कल नॉर्म, शी रॉट पोएम फॉर्म इन विच एवरीडे मीनिंग इज इन्वर्टेड, ये कबीर है। She organized her follower into community that performed the collective recitation. No. ठीक है, she stood for a belief that challenged the patriarchal norm. बिल्कुल my dear. वो अपने उन विचारों को यहाँ पे प्रमोट किया जो patriarchal norm, patriarchal परिवार को चैलेंज करता था, patriarchal जो सोसाइटी थी उसको चैलेंज करता था। सो काफी अच्छा यहाँ पे रहा ये सेशन आज, और ऐसे में इसके साथ अब एक क्वेश्चन और करते हैं और सेशन को करते हैं एंड माय डियर। और भी काफी सारे क्वेश्चन आने वाले समय में आते रहेंगे। सेशन को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इन दिस ट्रेडिशन मेल अस्तिक शन और प्रॉपर्टी एंड वियर नो क्लोथ्स, भाई ये कौन सा सेशन है? ये The monk used peacock feather duster to clean their path and insect to avoid trampling them. उनको non-violence में believe करते हैं. They drink water from the god and eat only once a day. ये कौन सा section है? जो वस्त्र धारण नहीं करता, जो यहाँ पे जानवरों को भी side में, insect को भी side में करते रहते हैं ताकि वो उनके पाँव के नीचे ना आए, वो एक तुमड़े में से पानी पीते हैं और एक बार खाना खाते हैं, वो कौन सा section है? ये आपकी बुक के थोड़ा आउटसाइड का है ऐसे मान लीजिए, और वो सेक्शन है कौन सा? दैट वॉज माय डियर दिगंबरा जैनिज्म। करेक्ट राइट आंसर कौन है? जैनिज्म के अंदर दिगंबराज माय डियर दिगंबर। सो आज की क्लास मुझे उम्मीद है बहुत ही मजेदार आपको लगी होगी। हमने थोड़े आज नए अलग टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए, और ऐसे में अगर आप और भी अच्छे से सारी तैयारी करना चाहते हैं, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो ये बहुत ही परफेक्ट समय है, बहुत ही सही समय है। चाहे क्लास 12th का ले, चाहे सीयूटी का ले, कोई भी सब्सक्रिप्शन लें। और जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें, जिसके काफ़ी सारे बेनिफिट, मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के कई सारे फायदे आपको यहाँ पर मिलते हैं। घर बैठे पढ़ना, अच्छे से तैयारी करना, सारे के सारे ठीक है एजुकेटर्स यहाँ पे एक साथ आपको कहीं भी मिलते हैं, तो अनअकैडमी मिलते हैं। तो आइए लीजिए, कोई भी सब्सक्रिप्शन लें, अप्लाई करें कोड दैट इज AJAYDTEP, अप्लाई करके करिए शुरुआत, करिए बिगिनिंग इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी, पढ़े मल्टीपल बैचेस में, पेमेंट करें अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन की मल्टीपल तरीके से। सो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय एवरीवन, टेक केयर, ध्यान रखें। Thank you so much. Bye. Good night.